माय माइन रिजवान चीमा वेलकम बैक विद अदर वीडियो ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज प्राइम सेक्टर जे और इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि सेक्टर जे में ओवरऑल जो डिटेल्स हैं वो क्या हैं और इसमें कितनी डिवेलपमेंट होगी और तमाम चीजें इसकी नॉर्थ साइड या ईस्ट साइड वेस्ट साइड साउथ साइड चारों साइड्स पर कौन सी चीज लोकेटेड है और तमाम चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा फिलहाल ये जो आपको मास्टर प्लान पे और ये जो इंडिपेंडेंट मैप नजर आ रहा है सेक्टर जे का ये दोनों मैप चेंज हो चुके हैं यानी कि सोसाइटी ने इसका पूरा मैप जो है ब्लॉक जे का वो रिवाइज कर दिया है इसमें अब दो कनाली जो मौजूद हैं एंट्रेंस गेट के साथ पे कमर्शियल मर्कज भी मौजूद है और यहाँ पे साथ आगे कनाल के प्लाट्स भी मौजूद हैं वो फिजिकल मैप जो मेरे पास वो तो मैंने देखा था लेकिन उसकी सॉफ्ट कॉपी मेरे पास नहीं है ताकि उसको मैं गूगल अर्थ पर पेस्ट करके एक्सप्लेन कर सूं तो जब वो मेरे पास वो मैप आएगा तो मैं इस ब्लॉक की रिवाइज वीडियो बना दूंगा लेकिन फॉर द टाइम बींग जो मैप है उसके मुताबिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ इसमें कौन से प्लाट हैं इस ब्लॉक की एक अच्छी बात यह कि इस ब्लॉक में जितने प्लाट्स भी हैं हर एक प्लॉट को बेानतहा अच्छी वेंटिलेशन मिलती है यानी अगर आप से इस ब्लॉक के पार्क काउंट करें ना तो उस पार्क का एरिया जो वो ज़्यादा बन जाता है एज कम्पयर टू जितने प्लाट्स हैं इसमें मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ प्लाट नंबर वन टू प्लाट नंबर ट्वेल्व सारे के सारे प्लाट पार्क फेसिंग और सबसे अच्छी बात कुछ प्लाट्स तो बीच में ऐसे जिनका डबल पार्क है यानी ये जो लीनियर पार्क बीच में आ रहा है ये अक्रॉस द रोड जा रहा है यानी ये प्लाट का पार्क आप देख लें कि ये इमेजिन करें प्लाट नंबर वन प्लाट नंबर फोर प्लाट नंबर सिक्स प्लाट नंबर फाइव इन प्लाट की लोकेशन के आपको एक तो थ्री साइड ओपन तो मिल ही रहे हैं लेकिन साथ तो थ्री साइड पार्क ही मिल रहा है यानी सड़क भी नहीं मिल रही तो ये एक बहुत अच्छी बात है इस ब्लॉक की और एक हर एक ब्लॉक ना हर एक तो इसके जो जितने भी प्लॉट बनते हैं इस ब्लॉक में अगर ये मैप कंटेन करता अभी तो चूंकि ये मैप खत्म हो गया है नया मैप आ गया है तो वो मैप अपनी आया अपडेट अपडेट नहीं हुआ गूगल पे लेकिन जो अगर ये मैप एग्जिस्ट करता तो ये सबसे बेहतरीन लोकेशन या सबसे बेहतरीन प्लानिंग वाला जो प्लॉट लिविंग पॉइंट ऑफ इससे है इससे अच्छा प्लॉट नहीं बन सकता यानी इस ब्लॉक में सिर्फ गिनती के सिर्फ तीन चार मतलब ऐसे ये वाली स्ट्रीट कह लें कि सर ये वाली स्ट्रीट भी हाफ प्लॉट नंबर वन टू प्लॉट नंबर ट्वेंटी सेवन या ट्वेंटी सेवन बनते तो नहीं है खैर लेकिन सॉरी इलेवन टू ट्वेंटी सेवन सोलह प्लाट जो बनते हैं और ये प्लाट नंबर वन टू प्लाट नंबर थ्री ये चूंकि थोड़े से कमर्शियल फेसिंग और ये मॉस्क या स्कूल जो भी बनेगा यहाँ पे वो फेसिंग है बाकी इसके अलावा जितने प्लॉट हैं माशाला इतनी अच्छी लोकेशन है उनकी कि आप किसी भी एंगल से उनको देखते हैं आप सिर्फ ब्लॉक के पार काउंट करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये भी नाइन काउंट होता है नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन मतलब इस ब्लाग में टोटल जो गिनती की स्ट्रीट्स हैं लेन्स हैं वो बनती हैं आपकी लेन्स बनती हैं टोटल पाँच सॉरी आठ लेन्स हैं और आपकी स्ट्रीट्स बनती हैं छोटी छोटी लेन्स हैं और स्ट्रीट बनती हैं आपकी आठ और इसमें आप पार्क काउंट कर लें यानी जितना एरिया सोसाइटी ने पार्क्स के लिए रिजर्व किया हो इतना एरिया यहाँ पर रेजिडेंशियल प्लाट्स के लिए रिजर्व नहीं था इस मैप के मुताबिक चूंकि अब ये मैप चेंज हो गया है तो नए मैप पे जब चीज़ें आएंगी तो मैं इनशाला वो भी अपडेट कर दूंगा अब देखते हैं गूगल अर्थ लोकेशन पे यह एरिया पहले कैसे था और आज कैसे दिखाई देता है ये आज के डेट में अगर देखें गूगल अर्थ लोकेशन पे तो ये मेन 400 हंड्रेड ये जो वन एट फीट रोड है इसके साथ कमर्शियल वाला एरिया फुल्ली डेवलप्ड है और उसके साथ जो पहली स्ट्रीट्स है उस पर तकरीबन ब्राउनिंग जो मुकम्मल हो चुकी है पहली स्ट्रीट के अलावा जो पीछे ये यहाँ तक यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ब्राउनिंग मुकम्मल है इस पार्ट तक मैं थोड़ा मैप को मजीद लाइट करूँ यानी यहाँ से लेके इस पार्ट तक इस स्ट्रीट तक ब्राउनिंग मुकम्मल है सिर्फ ये वाला पार्ट जो ग्रीनरी में कुछ और ये वाली साइड भी मुकम्मल ब्राउन हुई है और ये वाली साइड भी कुछ ग्रीनरी में यानी घूम फिर के जो ये वाला पार्ट आ जाता है ना प्लॉट का ब्लॉक का सॉरी सेक्टर का ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट में मेरे ज़मीन का इशू है प्रिक्योरमेंट नहीं हुई या जो भी बात है सोसाइटी ने इसको ब्राउन नहीं किया हुआ ये आ, ग्रीन लैंड है अभी तक जब इसको ब्राउन करेंगे तो मैं चला उस पर अपडेट कर दूंगा बाकी जितना ब्लॉक बनता है तमाम का तमाम ब्लॉक ऑलरेडी ब्राउन हुआ हुआ है तो इसमें ऐसा जिस भी मैंबर ने प्लॉट यहाँ पर मतलब लिया हुआ है तो उसको ऐसा अच्छे क्योंकि डेवलप ना होने की वजह से तो घबराना चाहिए वैसे लोकेशन वाइज तो जैसे सेक्टर एफ है और वी सेंट्रल का तो मैं कहता हूँ कि यार अगले पाँच साल भी डेवलप ना, ना हो तो जितनी अच्छी उसकी लोकेशन है ना तो आप उसको भी बेचें मत क्योंकि आपको जब भी उसमें कोई भी सेंट्रल में एक्टिविटी होगी तो सबसे ज़्यादा जो अच्छा बेनिफिट आएगा वो एफ़ को आएगा क्योंकि एफ नजदीक तरीन है इंटरचेंज के तो इन एनी केस यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी होती है डेवलप होता है नहीं होता लेकिन यहाँ पे सेक्टर की लोकेशन ऐसी है कि आपको इसमें लॉन्ग टर्म में जाके बड़ा अच्छा बेनिफिट होगा अब देखते हैं जिसकी इमेजेस गूगल पे के प्रीवियसली क्या था और आज डेट में क्या है जुलाई 2021 आज की डेट में ये इमेजेस ये हैं ये अपडेटेड नहीं है लास्ट ईयर की इमेजेस हैं जब अपडेट होंगी तो मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में शेयर कर दूंगा मई 2021 आप देख सकते हैं देन जनवरी ट्वेंटी वन जनवरी ट्वेंटी वन में खैर वो पूरा जंगल ही था बल्कि यहाँ फसलें लगी हुई थी मतलब लैंड भी सोइटी के पास मुकम्मल प्रक्योर नहीं थी दो हज़ार इक्कीस में अभी तो खैर मुकम्मल है यहाँ पर लैंड थोड़ा सा पार्ट ग्रीन है बीच में अच्छा जी जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी इमेज़ कुछ यूँ थी मे ट्वेंटी ट्वेंटी अगेन अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी और उससे पहले नवंबर ट्वेंटी नाइन्टीन तक नवंबर ट्वेंटी नाइन्टीन तक सिर्फ ये वाला पार्ट जो कुछ है इस वाले पार्ट को छोड़ के यहाँ पे बाकी लैंड जो है वो उसी तरह जो यहाँ पे लोकल लोग थे उनके पास थी ये आपको प्रॉपर फसलें नज़र आ रही हैं एग्रीकल्चर लैंड है यहाँ ये नज़र आ रही है ये सारा देख लें लेकिन आज की डेट में सोसाइटी ने सारे एरिया को जो है मुकम्मल एक्वायर कर लिया है और यहाँ पर डिलीवरेंस भी काफ़ी तेज़ी से जारी है अब देखते हैं जी फास्ट फॉरवर्ड करते हैं इमेज़ को आगे अगेन अगे अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी इमेज़ को क्यों हैं दैन मे ट्वेंटी ट्वेंटी इमेज आपके सामने हैं दैन अगेन जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी इमेज आपके सामने हैं एंड फर्स्ट ऑफ सॉरी जनवरी 2021 देख लें अब आगे जो मई दो हजार इक्कीस में इमेजेज आपके सामने हैं अगला चेंज अब नेक्स्ट आएगा मई दो हज़ार इक्कीस में इमेजेज वहीं पर स्टैंड करती हैं जुलाई दो हज़ार इक्कीस में ये सारा एरिया पीछे से क्लियर हो गया इस तरफ से क्लियर हो गया ये थोड़ा सा पार्ट बीच में रहता है आने वाले दिनों में ये भी क्लियर हो जाएगा तो इमेजेस के लिहाज से तो देखा जाए तो गूगल पे बहुत अच्छी डेवलपमेंट नजर आ रही है इस ब्लॉक की और लोकेशन तो वैसे इसकी बहुत अच्छी है सो विकास दिस वाज इट फ्रॉम टुडे अगर आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी या लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग के बारे में कुछ मालूम चाहिए हो तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है आप मुझे वाट्सअप कर सकते हैं इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू डब्ल्यू अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़